कि करबला एक वाकया नहीं है, करबला एक किस्सा नहीं है। वाकयात तारीख में बहुत हुए जो तारीख का हिस्सा बन गए। अमवात तारीख में बहुत हुई जिनको इतना याद नहीं किया जाता जितना हम करबला को याद करते हैं। अगर ये बोला जाए करबला इसलिए याद की जाती है क्योंकि करबला में बेदर्दी से इंसानियत का कत्ल हुआ, तो कत्ल तो वर्ल्ड वार वन में भी हुआ था, वर्ल्ड वार टू में भी हुआ था कि एक सेकंड में बम फेंका गया 65,000 लोग मारे गए, दूसरे बम में 95,000 लोग मारे गए, लेकिन किसी के गम को इस तरह याद नहीं किया जाता जिस तरह करबला के गम को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि करबला एक तहजीब का नाम है, करबला एक जुम्बिश, एक मोटिवेशन एक्टिविटी का नाम है, करबला मुआशरा साजी का नाम है। हम लोगों को इसलिए फ़र्श अज़ा पे जमा नहीं करते कि इनको किस्से सुनाए जाएं, इनको करबला की कहानियां सुनाई जाएं, इनको ये बताया जाए कि करबला में इमाम हुसैन को इस तरह से शहीद कर दिया गया था। तो किस्से सुनाने के लिए लोग जमा नहीं होते। दुश्मन की कोशिश ये है कि इस करबला के वाक़े को सिर्फ स्टोरी और किस्से की हद तक महदूद कर दिया जाए ताकि इसके अंदर से वो रेवोल्यूशन, वो सिविलाइजेशन, वो तमद्दुन और तमद्दुन साजी जिसकी कोशिश इमाम खुमैनी ने भी की, अगर इनकलाब इस्लामी आया तो करबला की वजह से आया, अगर कौमें मुत्तहिद हुई तो करबला की वजह से, अगर इराक़ दुश्मनों के चुंगुल से निकाला गया तो ये करबला के नतीजे में निकाला गया। तो जो कौमें करबला से सीखती हैं वो कौमें तरक्की करती हैं, जो कौमें सिर्फ वाकयात के पीछे रहती हैं उन कौमों को हिदायत नहीं मिलती। क्योंकि अगर वाकया बोला जाए तो दुश्मन यही एतराज़ करेगा कि भाई एक वाकये को बयान करने के लिए इतना बड़ा अहतमाम क्यों करते हो, एक वाकये को बयान करने के लिए इतना नजर व न्याज, अलम कुशाइयाँ, ताबूत का बनाना, देगों का उतरना, खतीबों का बुलाना, मरसिया खानी, नूहा खानी, इन तमाम तर चीज़ों में फाइनेंशियल अखराजात और पैसा लगता है, का इतना पैसा लगा देते हो, करोड़ों कीमत में पैसा खर्च हो जाता है, अरबों कीमत में पैसा खर्च हो जाता है सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को जमा करते हो एक किस्सा सुनाने के लिए। उलमा फरमाते नहीं, ये किस्सा नहीं है, अगर किस्सा होता तो खुदा कुरान में, मैंने अर्ज किया, इतने किस्से न सुनाता। ये किताब किताब ज़िंदगी है, ये किताब किताब हिदायत है, तो खुदा कुरान में किस्से क्यों बता रहा है? तो हमने कल आपकी खिदमत में आयत रखी, खुदा कहता है हबीब मैं अगर रसूलों के और नबियों के किस्से तुम्हें सुनाता हूँ तो उसके चार फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि हम तुम्हारे दिल को मजबूत करना चाहते हैं, किस्सों को सुन ताकि तुम्हारा ईमान, ताकि सुनने वालों की हक की राह पे चलने की हिम्मत आगे बढ़े कि देखो मूसा का किस्सा पढ़ो कि आगे दरिया है, पीछे दुश्मन का लश्कर है, लेकिन इस किस्से पढ़ने से तौहीद पे ईमान मजबूत होता है, इस किस्से के पढ़ने से अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है। किस्सा पढ़ निमरूद का, नारे नमरूद का, और पता कि इब्राहिम की तौहीद कितनी मजबूत थी। तो किस्से इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि दिलों को मजबूत कर दिया जाए। मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, मैंने कहा और भी कौमें हैं कि जिनके लोग जब मारे गए तो उन्होंने अलम बगावत को बुलंद कर दिया। बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है, चार पाँच लोग उठ गए या उन कुछ लोगों पे अगर जुल्म भी हुआ तो उसके नतीजे में क्या बन गए, मुल्क दुश्मन बन गए, बगावत का आलम बुलंद कर दिया, अपने मुल्क से और मुल्क इदारों से दुश्मनी पे उतर आ गए। लेकिन याद रखो जब से पाकिस्तान बना है शिया कौम के जवान भी मारे गए, इंजीनियर भी मारे गए, इस कौम के डॉक्टर भी मारे गए, इस कौम के शीरखार बच्चे भी मारे गए, गले भी काटे गए, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस कौम ने कभी भी अलम बगावत बुलंद न किया। अगर करबला न होती शायद ये जवां बागी बन जाता। ये करबला है जिसने जवां को हुब्बुल वतनी का दर्ज दिया है, ये करबला है जिसने साबर का दर्ज दिया है,
ये करबला है जिसने ईसार का दर्स दिया है। अहले बैत पे जुल्म हुआ, इस्लाम के खिलाफ अलम बुलंद नहीं किया, जो जुल्म करते थे उनके खिलाफ अलम का नाम बुलंद किया। और हर जमाने में शियों ने जालिमों के खिलाफ आवाज जरूर उठाई है, लेकिन वतन से कभी दुश्मनी नहीं की, मिट्टी से कभी दुश्मनी नहीं की, क्योंकि ये दर्स कहाँ से मिलता है? करबला से मिलता है। तो अगर मजलिसें ना हो, मुहर्रम और सफर ना हो, तो नौजवानों की तरबियत कैसे हो? क्योंकि तुमने तो तरबियत करने का कोई बंदोबस्त तो किया ही नहीं है। टीवी शैतान के हवाले, सिनेमा शयातीन के हवाले, पूरा मुआशरा और मीडिया तुमने शयातीन और शैतानी कुव्वतों के हवाले कर दिया है। तो अगर कौम के लिए कोई तरबियत के बंदोबस्त करने का सबब बनता है, तो हुसैन ने अपनी मजलिस के जरिए कौमों को परवान चढ़ाना सिखाया है।